नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और फिर से सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रात को ही कल नीट एनटीए पे ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ गया है और क्लियर हो गया भाई कि दोबारा कोई नीट नहीं होने वाला। तो पहले इस 3 पेज का सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। पहली लाइन, ऐसा कुछ खास नहीं है कि भैया कितनी देर का पेपर था, क्या था। कट ऑफ देखिए, जैसा कि उन्होंने लिखा ही है, 164 है। बट इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एवरेज मार्क्स जो हैं, और वो भी सारे बच्चे जो क्वालिफाई करें, और आपको जानते ही हैं, इन्होंने सिर्फ क्वालिफाइड बच्चों की बात करी है। तो जो नीचे के बच्चे हैं, 20 नंबर लाने वाले, 40 नंबर वाले, 115 नंबर, 15 नंबर लाने वाले, उनको तो गिना ही नहीं गया। उनको गिने बिना भी द एवरेज नंबर्स हैव इंक्रीज बाय टू फ्रॉम 280 टू 320। और मैं आप सबको समझा रहा हूँ, जो भी पिछले 4 दिन से हमें फोन कर रहे हैं, या 3 दिन से जब से रिजल्ट आया मंगलवार को, और जो हमसे मिलने आए, कि एग्जाम आसान था। और ये शायद मैं 5 मई से ही बोल रहा था, और इसी वजह से अगर आप मेरे उस दौरान के वीडियोस देखोगे, कि अब लोग होते हैं अक्सर, लास्ट ईयर 137 कट ऑफ थी, तो हमारे पास भी एक आए थे सहारनपुर से, 148 वाले, कि सर भाई कर्नाटका की क्या प्रोसीजर है। मैंने कहा भाई आप तो पहले रुक जाओ, पता चले हम आगे बढ़ गए और आपका पेपर ही क्वालिफाई नहीं करा, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और वही साबित हुआ एक्चुअली, उनका तो क्वालिफाई ही नहीं करा। और इसी तरह वेरी फ्रेंकली, कैटेगरी क्वालिफाइड में भी एक 109 की रेंज में थे जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये पहली चीज है कि एग्जाम आसान था, समझ लीजिए। और सर मैं आपको एक और सबूत देता हूँ, उसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ पे पढ़ लेते, फिर बताता हूँ। एनटीए ने बता दिया कि 718 719 नंबर क्यों आए, क्योंकि जैसे ही पेपर खत्म हुआ, पिटिशंस आ गई थी पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पर ये कहा गया था कि भाई हमारा कुछ टाइम वेस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो एनटीए का पास कोई तो फार्मूला है जो कि 13 जून 2018 को दिया गया था। वेरी फ्रेंकली मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि तो जो हो चुका वो हो चुका। एक 1563 कैंडिडेट्स को कम्बसिट किया गया लॉस ऑफ टाइम, और रिवाइज्ड मार्क्स ऑफ ईच कैंडिडेट्स वेरी फ्रॉम -20 टू 720 मार्क्स, ठीक है ना। अमंग दीस द स्कोर्स ऑफ टू कैंडिडेट्स वर अपीयर टू बी 718 719 ड्यू टू कॉम्पनसेटरी मार्क्स, ओके। और इन्होंने ये बोला है कि जिसने पिटीशन लगाई थी, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके -20 नंबर आए, मतलब पिटीशन लगा दी और -20। ये देखिए, 720 नंबर दिए नहीं गए ग्रेस मार्क्स। उन्होंने ये बोला कि 720 नंबर पे पहुंच गए, और कुछ 1563 में धुरंधर बच्चे ऐसे भी थे जो पिटीशन लगाने के बाद -20 पे गिर गए। तो शायद उनके पहले -40 होंगे, और ये बच्चे वो थे, समझ लीजिए, जिन्होंने सिर्फ रॉन्ग ही रॉन्ग क्वेश्चन करे ना, तो -1 तो है ही ना। तो नीट जैसे पेपर में यू कैन ऑलवेज स्कोर -मार्क्स, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, एक बच्चा ये होगा जो -20 भी लेकर आया है, पिटीशन भी लगा दी थी उसने लॉस ऑफ टाइम को लेके। सीसीटीवी फुटेज देख लिया, कुछ नहीं। फिर उन्होंने क्लियर कर दिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस साल 20 लाख हो गए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन तो 23 लाख ने करा था, सॉरी लास्ट ईयर थे, और इस साल आ गए हैं 23 लाख 33 हजार। तो देखिए, यही एक पूरा इंक्रीमेंट ऑफ 3 लाख बच्चे थे, तो नेचुरली लीडिंग इंक्रीज ऑफ हाईएस्ट स्कोर लास्ट पूल ऑफ कैंडिडेट। और फिर से पेपर जो आसान हो गया, उसमें क्या हुआ, जो आया था कि एक क्वेश्चन फिजिक्स का था जिसमें 2 आंसर दिए गए हैं, और चूंकि 2 ऑप्शन को करेक्ट कर दिया गया, तो कई बच्चे ऐसे भी हो गए जिनको जो आंसर की रिवाइज की गई, तो उनके 720 में 720 बन गए। और 6 बच्चे ऐसे बताए कि जिनको कॉम्पनसेट किया गया। पर देखिए, आप समझिए बात को, कॉम्पनसेट करने वाला ऐसा तो कोई नहीं था ना कि 200 नंबर से वो 700 पहुंच गया होगा। वो बेसिकली 705 708 690 आ रहे होंगे, और वो चला गया। और टोटल बच्चे जो कंसिडर किए गए हैं, टोटल वो हैं, यहाँ लिखा हुआ था 1563 बच्चे, करेक्ट। अब 23 लाख में से टोटल 1563 बच्चे, जबकि उन्होंने तो लिख ही दिया कि किसी को -20 भी आए हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था कि जा सारा 100 200 बच्चे होंगे जिनके नंबर फालतू हो गए, जिसको आप घपला कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। बॉटम लाइन ये है कि फिर भी भाई इस बार 650 के ऊपर ही 25 हजार बच्चे हैं ना, इस बार 600 के ऊपर ही अगर 1 लाख बच्चे हैं, तो वो सारे तो ऐसे नहीं है। तो ये जो बाकी 90 हजार बच्चे हैं, 95 हजार, अगर हम 98 हजार हैं, 1500 को छोड़ दें, तो
वो 98,000 बच्चे भी तो अपनी पोटेंशियल से बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आए। तो मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई पिछले 3 दिन में, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आपके प्रैक्टिस टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे? बच्चों ने बताया सर 585-590। ओके, और एक्चुअल एग्जाम में कितने आ गए? 640। विच मीन्स जनरली बच्चे की जो तैयारी थी ना, उससे उसके 30, 40, 50 नंबर फालतू आए। अब तब तो हम खुद खुश होते हैं कि चलो भाई अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद इस साल नहीं, फ्यूचर के बच्चों के लिए चीज हेल्प होगी। और जो मैं हमेशा समझाता हूँ, जो लोग मेरे पास प्रॉपर करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, कि यह पेपर जब खत्म होता है ना और नीट से हम बाहर निकलते हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं, पेपर आसान था जी। देखिए, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे क्लैट हो, चाहे कैट हो, दे ऑल आर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिलेटिव एग्जाम्स। 12th का बोर्ड, 10th का बोर्ड आर एब्सोल्यूट एग्जाम्स। 12th का बोर्ड का पेपर आसान था तो मजे आ गए जी, सबके 100% आ गए, सब जिंदगी भर 100% की मार्कशीट लेके घूमेंगे, 98 की, 97 की। पर जब आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, आपके लिए आसान है तो दुनिया के लिए भी आसान है ना। जो आज शायद इस साल रिजल्ट देख के आपको समझ में आ रहा है कि पेपर आसान आ गया, 590 नंबर, जिसकी तैयारी थी वो खुश हो गया जी मेरे 640 आ गए। लेकिन भाई जिसकी तैयारी 630 वाली थी उसके 670 आ गए, जिसकी तैयारी 640 वाली थी उसके 680 आ गए, जिसकी तैयारी 670 की थी उसके 710 आ गए, जो सब 700+ में चल रहे थे अपने प्रैक्टिस टेस्टों में, वो सब 720 पे आ गए, 63 बच्चे। तो आपकी रैंक तो वही रही, विच मीन्स इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन एम्स ये थोड़ी ना कहता है कि मैं 700 से ऊपर सीट दूंगा, एम्स तो ये कहता है ना मैं पहले 70 बच्चों को दूंगा, या मौलाना आजाद कहता है कि मैं उसके बाद, और वो कौन सा कहता है बेसिकली, दिस इज हाउ द अलॉटमेंट हैपन्स। तो इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन आसान पेपर आ रहा ना, कभी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, तो वो सबके लिए आसान है। सिमिलरली फ्यूचर में कोई कोई मुश्किल पेपर आ जाए, खासकर जो कम्पिटिटिव पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, शायद उस साल हाईएस्ट 690 होंगे, सरकारी सीट 590 में मिल जाएगी, क्योंकि सब बच्चों के नंबर कम आएंगे। इस साल सब बच्चों के नंबर अच्छे आ गए। माई फाइनल कंक्लूजन जो मैं पिछले 3 दिन सबको बता रहा हूँ, एक्चुअली जब से नीट के आंसर किए तभी से बता रहा हूँ, कि छोटे मोटे जब आपके सामने आ गया नंबर, कि भाई वो जो एक गुरु में राजस्थान के किस कॉलेज में हुआ था, जहाँ 23,50,000 बच्चों की बात है, वहाँ पर अगर 1,500 बच्चे या 100 बच्चे या 50 बच्चों के साथ कुछ हो गया, कुछ कर दिया गया, तो उसके लिए कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला। मेरी आप सब बच्चों को पर्सनल सलाह ये है कि आप जो हो चुका उसके हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान कीजिए। जिसको ड्रॉप करना है वो ड्रॉप की पढ़ाई शुरू कर दे, जिसको सीट लेनी है वो हम जैसे राइट काउंसलर के साथ मिलके अपनी सीट फाइनल करे, प्लान करना शुरू करे, और उसके हिसाब से वो अप लाइफ को आगे बढ़ाएं। और फिर भी कोई कहता है ना कि नहीं सर 2,000 बच्चे भी बहुत होते हैं, इतने बच्चे भी बहुत हैं, मैंने ये समझाया, मैं कहा देखो भाई हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि 50-100 लोगों की कोई नहीं सुनता, 200 लोगों की कोर्ट में चले गए, आपका कोई सर देखो सुनी तो है, 1,000 बच्चे कोर्ट में गए और उनके लिए बोनस मार्क आ गए। तो मैंने यही कहा, देखिए नंबर दे देना किसी को, 2 नंबर फालतू दे देना, कोई बच्चा चला जाता है सर मेरी अटेंडेंस कम थी कॉलेज में, मेरा एडमिट कार्ड रोक लिया गया, वो कोर्ट कहेगा दे दो, ठीक है जी। मैंने फिलीपींस के लोगों को बहुत समझाया था कि आप कोर्ट में जाओगे, एनएमसी में जाओगे, आपको पक्का वो मिल जाएगा कि भाई जो 18 नंबर 2021 का इशू हुआ था, कि आपका कोर्स 4 साल का था, उसको फिलहाल एक बैच के लिए मान लिया जाए, मान दिया जाएगा। लेकिन तो ना गवर्नमेंट के कोर्स की बात समझिए, जहाँ पर उनको कुछ करने से कुछ मेजर दिक्कत नहीं होगी, गवर्नमेंट या कोर्ट को वो हाँ बोल देते हैं। तो फिलीपींस का जो फेवरेबल डिसीजन आया था, ये वाला नहीं जो अभी अभी आया है, वो तो फिलीपींस गवर्नमेंट ने दिया है, जो 1 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली दे दिया था, कि जो बच्चे 2022 के बैच में फिलीपींस गए थे उनकी पढ़ाई को अलाउ कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने तो BS स्टार्ट किया था ना, तो उन्होंने वो रूल डाल रखा था कि भाई जो BS करने फिलीपींस गया था उसकी हम पढ़ाई को मानता नहीं, क्योंकि 15-3-4 हज़ार बच्चों की बात थी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, 4 हज़ार बच्चे फालतू डॉक्टर बन जाएंगे। पर यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है, लफड़ा है, 23-24 लाख बच्चों के लिए दोबारा पेपर करना, पेपर करना, एडमिट कार्ड निकालना, पेपर कंडक्ट कराना, स्कूल्स बुक करना, इट इज़ नॉट ए ईजी जॉब, क्योंकि अब स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो जो प्रोसेस है वो फिर से 4 महीने डिले हो जाएगी, पूरा का पूरा बैच डिले हो जाएगा, फिर आप करवाना चाहते हो। तो भाई जो किसानों ने किया था, या कुछ लोग करते हैं, कि जाके हाईवे जाम करो, जाके कुंडली बॉर्डर पे बैठ जाओ, कि दिल्ली वाले लोगों को परेशानी हो जाए आने जाने में, तब तो कोर्ट सुनेगा, सरकार सुनेगी।
नहीं तो ऐसे केस में सरकारें नहीं सुनती, ये मेरा वही जो मैं कहता हूँ ना कि आई एम नॉट जस्ट एम बी बी एस कंसल्टेंट, हम तो एक करियर काउंसलर और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं। तो एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड वट हाउ एन टी ए फील्स थिंग्स, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील थिंग्स, हाउ एन एम सी फील एंड थिंग्स। मेरी पर्सनल कोई चॉइस नहीं है, प्लीज़ ये बस कुछ लोग ना मेरा वीडियो सोच के सुनते, सर विवेक सर आप नहीं चाहते कि नीट दोबारा हो। सच बताऊँ मैं तो चाहता, अगर अगर मैं प्रोफेशनली बोलूँ दोबारा नीट होगा बहुत अच्छी बात है, हमें तो और क्लाइंट मिल जाएंगे, वैसे हमें जरूरत भी नहीं 100 के ऊपर भरे पूरे होने वाले हैं, बट जस्ट टू गिव यू गाइस एन एग्जांपल, जो कभी बार ये कमेंट डालते हैं नीट दोबारा हो ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें 100 लोग ही काउंसलिंग करनी थी वो हम कर देंगे, अभी नहीं करेंगे 3 महीने बाद कर देंगे। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप फॉल्स होप में ना रहें और अपने प्लानिंग उस हिसाब से स्टार्ट करें, ठीक है? तो इस साल जैसे भी आपके नंबर है वैसे आपको सीट लेनी है, और वैसे सीट लेने में आप जब जानते हैं कट ऑफ बहुत ऊपर जा चुकी है, आपको एक रफ एक थॉट दे देता हूँ, जैसे 300 नंबर से कम में इस बार उत्तर प्रदेश में कोई भी 70 लाख वाला बजट 65 लाख वाले बजट की सीट नहीं मिली। तो ये सब जानते हुए अब आप अपने एक्शन अपने प्लान करना शुरू कीजिए, और सटीक जानकारी चाहते हैं ताकि आपका साल खराब ना हो, क्योंकि हर साल लोग आते हैं कि पिछले साल हम किस कंसल्टेंट के चक्कर में, और वो जो कंसल्टेंट होते हैं ना वो बड़े नामी होते हैं, हम फंस गए जी और हमारा साल खराब हो गया। मैं कभी कभार सटीक जानकारी, मेरे को आप लोग जो 2500 का फोन करते हैं, किसी का फोन आ रहा है सर 270 UP में कुछ मिलेगा, और मेरा जवाब होता है नहीं मिलेगा, मतलब खासकर सस्ते में, ठीक है हीरा लेना चाहोगे करे लेना चाहोगे मिल जाएगा, लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि सर आप तो मुंह पे मना कर देते हो, हम किसी और के पास गए तो उसने बोला करवा देंगे जी, कोशिश करवा देंगे जी, पक्का करवा देंगे जी। मैं कहा जी बस वो सब ब्लफ खेलते हैं, वो सब खाली वेले बैठे हैं शायद, उनको लगता है जो कस्टमर आ जाए और तुक्के से सीट मिल जाएगी तो आपसे 4-5 लाख का PDC रख लेते हैं। मैं आपको सलाह इसलिए देता हूँ ताकि आप साल खराब ना करें, और आपको मालूम पड़ गया कि आपको 70 लाख में यूपी नहीं मिलने वाला, चाहे आप BDS करें इंडिया में, चाहे BMS करें, चाहे सब कुछ छोड़ के साइकोलॉजी करें, बायोटेक करें, या बाहर जाएं नेपाल जाएं रशिया जाएं कजाकिस्तान जाएं, दैट ऑल वुड बी योर चॉइस, बट आपको सस्तों पता चले। और यही मेरा मकसद होता है कि सही समय पर ही आपको सच बता दिया जाए। तो इस साल का सच फिर से यही है, नीट दोबारा नहीं होने वाला, रिजल्ट दोबारा नहीं बनने वाला, अब तो बल्कि ये क्लैरिफिकेशन भी आ गई है, रफ मेरी रफ फीलिंग यही कहती है 10-15 दिन में MCC की काउंसलिंग का ब्रोशर आएगा, ब्रॉडली स्पीकिंग 1 जुलाई से इस बार काउंसलिंग स्टार्ट होके बहुत टाइमली अगस्त एंड मैक्सिमम सेप्टेम्बर मिड तक पूरी काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, और सेप्टेम्बर में ही मैक्सिमम अक्टूबर 3 से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हमसे संपर्क करना चाहें, हमसे काउंसलिंग करवाना चाहें प्रीमियम पैकेज, हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वी डोंट टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट। जब पहला फ़ोन भी करेंगे तो जो हमारी मैम फ़ोन उठाती हैं वो आपको बता देंगे कि इतनी फीस लगेगी मुझसे बात करने के लिए। MBBS इंडिया के सारे केसेस मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ, आपसे बात से लेके अगले 4 महीने तक आपका सारा काम करना, यू विल बी डायरेक्टली इन टच विद मी ओनली, एंड दैट इज़ वाई आई टेक वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि ये काम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी हाई स्टेक का है। देखिए जब रशिया वगैरह भेजते हैं तो फिर क्या है, आपके पेपर मंगवाए आगे भेज दिया 25 दिन में वहाँ से रिजल्ट आता है, बट MBBS इंडिया इज़ वेरी डायनामिक, और जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आप देखोगे तो एज एन इंडिविजुअल स्पाइट ऑफ बींग वेरी हाईली एफिशियंट एंड आई स्टार्ट वर्किंग एट 6 AM एंड वर्क टिल 10 PM इन दीज 3 मंथ्स, नॉट गोइंग एनी वेयर जनरली, नॉट गो इवन गोइंग टू एनी फैमिली फंक्शन, तो फिर भी हम इसके ऊपर हैंडल नहीं कर पाते, और उसमें भी ठीक है आई टेक द हेल्प ऑफ माई असिस्टेंट्स फॉर लेट्स ऑल इंडिया कोटा चॉइस फिलिंग, जहाँ 380 कॉलेज भरने में ही 2-2 घंटे लग जाते हैं, बट उसके अलावा जो दिमाग लगाने वाला काम होता है वो हम बहुत जल्दी बहुत क्विकली लगा लेते हैं, उसी के लिए हमारी मेरी पर्सनली बैकग्राउंड बहुत हेल्प करती है। सो नेवर वरी कि सर आप कैसे हैंडल करते हो, ओके? सो टेक केयर, बेस्ट विशेस, और पर्पज मेरा यही था कि आप अपना प्लान इस हिसाब से करें। बाकी हमारे पास एक स्टूडेंट आया था आए थे जैसे उनको पता चल गया कि 70 लाख का कॉलेज नहीं मिलेगा, और मैं तो बात करूँ अच्छा बुरा तो छोड़ो, अब तो है कोई भी कॉलेज, दे हैव इमीडिएटली टेकन द डिसीजन टू ड्रॉप एंड हैव स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। वही है, चाहे आपको विदेश में जाने का डिसीजन लेना है, इंडिया में पढ़ने का डिसीजन लेना है, आप क्विकली अभी से ले सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने एक्शन करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।